Good morning. This is Watch the Blog. ज्योतिका जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वेदर बहुत डार्क है, 7 बज चुके हैं लेकिन बारिश वाला माहौल है। कल भी बहुत बारिश हुई थी। ये सारे प्लांट इतने बड़े हुए हैं। लास्ट टाइम तो इस वक्त काफी टमाटर हमने खा लिए थे, लेकिन इस साल तो अभी तो छोटे छोटे ही है। ठंड बहुत है इस साल, पता नहीं क्या निकला है। लास्ट ईयर तो नहीं निकला था। ऊपर से नीचे एक टेंशन फिनिश नहीं होते, दूसरे चालू हो जाते। बहुत बारिश हो रही है, इतना डार्क है ना। ये खुल गया है, इनका कलर चेंज हो गया है थोड़े, डार्क ग्रीन हो गए हैं अभी। जोरदार बारिश हो रही है। एक पत्ता ओपन हो रहा है और ये भी कितना खूबसूरत लगता है। और एक अंदर से आ रहा है, ये एवोकाडो को उगाया है हमने, ट्राई किया है। तो ये घी लिया है थोड़ा, और मैं कुलेर बनाने जा रही हूँ, तो
इसको थोड़ा गरम कर देंगे पहले। घी गरम हो गया है, उसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से जितना सुगरी चाहिए इतना मैंने इतना लिया है, और फिर गुड़ लिया है। बाजरे का आटा, घी, बाजरे का आटा और गुड़ डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो ऐसे रेनी वेदर में बहुत अच्छा लगेगा खाने के लिए। ऐसे करके छोटे छोटे लड्डू बना के इसमें रख देंगे। ये सारे छोटे छोटे लड्डू ये बना दिए हैं, लड्डूली बोलते हैं। अब इसको ढक के रख देंगे, आते जाते खाते रहेंगे। आप भी आ जाइए खाने के लिए। बहुत बारिश हो रही है बाहर, इतना जोरदार अंधेरा है, आंखें भी नहीं ओपन हो रही है। और कहीं बाहर भी नहीं जा सकते ऐसे में, तो आज के दिन का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। नहीं हो पाएगा आज के दिन का व्लॉग, क्योंकि फिर वही खाने का व्लॉग बनाओ और रखो तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक आप सब लोग सही सलामत रहें और स्टे होम, टेक केयर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।